दादू, ये बोर्ड के बिना पॉसिबल नहीं था क्या? अपने क्लासेस से उधार लाया हो, पूरा 1.5 किलोमीटर चल के आया हो। अरे अज्जू बेटा, जरूरी है लाइफ में बड़ी बड़ी चीजें सीखने के लिए छोटे छोटे उधार लेने पड़ते हैं। दादू लेकिन आप कब से क्या लेके जा रहे हैं? अरे अज्जू बेटा, मैं तुम्हारा करी कुकुम्बर बना रहा हूँ। करी कुकुम्बर? अरे वो स्कूल में होता है ना, करिकुलम। हाँ हाँ वो भी। दादू टाइटल लिख दो। हाँ लिख दे, डेटिंग एडवाइस फ्रॉम दादू। हाँ अज्जू बेटा, तो ये हमारे डेटिंग एडवाइस फ्रॉम दादू का पहला और शायद आखिरी क्लास है। कुछ स्ट्रिक्ट रूलर और रेगुलेटर है जो फॉलो करने पड़ेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशंस? हाँ हाँ वो भी। रूल नंबर 1, किसी भी बात पर सवाल उठाना मना है, चुपचाप सुनो। रूल नंबर 2, नोटी, सवाल मत पूछो। हमारे स्कूल के हिसाब से तंदूर यूज करना मना है। नोटी मतलब नो तंदूर। तंदूर? सवाल मत पूछो अज्जू बेटा। अरे दादू पर ये तो बता दो कि तंदूर होता क्या है? अरे वो एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे तुम नौजवान टाइम पास करते रहते हो, स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट। टिंडर? हाँ वही वही। दादू अभी आपको टिंडर से क्या प्रॉब्लम है? सवाल मत पूछो अज्जू बेटा। ठीक है दादू, कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। अबे रूल नंबर 3, आंखों आंखों में बात करो, स्नैपचैट व्हाट्सएप पर नहीं। अरे दादू आंखों आंखों में बात कैसे होती है? अच्छू बेटा तुम समझते नहीं हो, सवाल मत पूछो। सवाल नहीं पूछ रहा दादू, बस आप ये बता दो कि आंखों आंखों में बात होती कैसे है? अज्जू बेटा मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, धीरज रखो। अब इमेजिन करो कि यह लड़की है। अरे दादू किसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी होती है? ये ड्रैगन जैसा बनाया आपने कुछ? चुप कर और फॉलो कर। अगर पूछना है कि हाल कैसा है तो ट्राई कर। अरे क्या कर रहा है, वो डर जाएगी, थोड़ा प्यार से तो कर। अच्छू बेटा देख तू फेल हो रहा है, अब ये दूसरा ट्राई कर। अगर लगे कि यह थोड़ी थकी हुई है या बीमार है या उदास है तो चलो अभी ट्राई करो। अरे अज्जू बेटा क्या कर रहे हो, वो ज्यादा बीमार हो जाएगी। अज्जू बेटा देख तू पक्का फेल हो रहा है, अब ये लास्ट वाला ट्राई कर। ठीक है दादू। अभी ना आंख मारना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो मारो। अरे तू ऐसे आंख मारेगा वो चप्पल मारेगी। अरे अज्जू बेटा सिर्फ प्यार से हल्के से आंख नीचे करनी है। ये ट्रेन के विंडो का शटर नहीं चले करना है कि पूरा योग कर रहा है अज्जू। तू तो पक्का फेल हो रहा है अज्जू बेटा, तू फेल हो रहा है। अरे दादू आप थोड़ा पेशेंस दिखाओ, सीख रहा हूँ ना मैं। आंख सीख रहा है तू? हाँ सीख तो रहा है तू थोड़ा थोड़ा। देखा दादू अभी अज्जू बेटा इतने अनुभवी टीचर से सीखोगे तो तुम्हारा अच्छा ही होगा ना। अरे दादू आप डेटिंग टिप्स दे रहे,
आइडियली तो इस सिचुएशन में बंदे को अनुभव ही नहीं होना चाहिए, बट चलेगा, आप मेरे दादू हैं। हाँ बराबर है बेटा, संस्कार फर्स्ट ऑलवेज। अब अगले पड़ाव पे बढ़ते हैं, ये ना बहुत ही जरूरी पड़ाव है। दादू आपका काफी डिटेल वाला करिकुलम है। हाँ वो तो है। अब इस भाग में आता है वार्तालाप शुरू करने का और लड़की को किसी अच्छी जगह ले जाने वाला पार्ट। दादू वैसे एक बात बताओ, आपने ये सारी टिप्स दादी के साथ इंप्लीमेंट की है ना? ऑफ कोर्स अज्जू बेटा, ऑल एडवाइस इज ए ट्राइड एंड ए टेस्टिमोनियल। ट्राइड एंड टेस्टेड। हाँ, वो भी। अब इसे देखो, ये है कन्या। अब इसे तुम्हें कहना है, सुनिए प्यार से, हल्के से बोलो। अज्जू बेटा मुझे ही सुनाई नहीं दिया, थोड़ा जोर से बोलो। अरे दादू अभी तक तो आप बोल रहे थे सब प्यार से करो, सॉफ्टली करो, अभी बोल रहे जोर से बोलो। अरे अज्जू बेटा, प्यार से हल्के से बोलो का मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि चाइनीज विस्पर खेलो। चलो बोलो जोर से। सुनिए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ ये सुनिए, लेने में कुछ मजा नहीं आ रहा है, ये डायलॉग को थोड़ा चेंज करते हैं। हाँ सही है, इस डायलॉग को ना हम थोड़ा लवीफाई करते हैं, लवीफा मतलब मतलब प्यार भरा बनाते हैं। हाँ बना बना प्यार भरा बना। अब कहो, सुनिए सुंदरी। सुनिए सुंदरी, अज्जू बेटा, अब तुम्हें तुम्हारा यूएसपी सामने रखना है, यानी यूनिक स्पेशल प्रस्ताव, समझे? नहीं यूनिक स्पेशल प्रस्ताव मतलब एक ऐसा प्रपोजल की इनकार नहीं कर सके। अबे अज्जू बेटा, प्रैक्टिस करो। क्या आप हमारे साथ? हमारे साथ दादू आप भी आ रहे हो क्या? काश, क्या दादू? मतलब ऑफ कोर्स नॉट, नहीं आ रहा हूं। हम तो ऐसे बोलने का अंदाज होता है, तो इंटरफेयर मत करो ऐसे अज्जू बेटा, हमारा फ्लोट ब्रेक हो जाता है। चलो अब अज्जू बेटा बोलो, क्या आप हमारे साथ जुहू के भोजनालय में शाम का नाश्ता करने और फिर सागर के किनारे जुहू की सड़कों पर हमारे साथ सैर करने आएंगे? दादू ये जू का भोजनालय कहाँ है? अरे अज्जू बेटा, वो लिंक रोड से। वंस एट अ टाइम मैं तुम्हें डेटिंग एडवाइस दे रहा हूँ, जू का भोजनालय तुम खुद ढूंढ लेना। अब बोल तेरा डायलॉग। सुनिए सुंदरी, क्या आप आज शाम हमारे साथ जुहू में सागर के भोजनालय के किनारे सड़क पे नाश्ता करेगी? सड़क पर नाश्ता? अज्जू बेटा, तू आज तक डेट पर गया है? अच्छा नहीं दादू आज तक तो कभी नहीं गया। अरे हुआ। दादू आप ऐसा मत बोलो, आप देखो मैं जानता हूं कि ऐसा सब मिक्सअप क्यों हो गया, क्योंकि ये सब चीजें ना मुझसे रिलेट करती नहीं है, जस्ट नॉट माई थिंग। देन व्हाट इज योर थिंग? सड़क पे नाश्ता? दादू देखो यूनिक स्पेशल प्रस्ताव क्या होगा पता है मेरा दादू? चलो फास्ट एंड फ्यूज देखते हैं, या तो फिर आईपीएल का एक मैच देख लेते हैं, या फिर पूल खेलते हैं। अज्जू बेटा, तुम जब डेट पे जाओ ना, तो ये एक चीज याद रखनी चाहिए कि तुम्हारे साथ में भी कोई है। अब देखो, तुम फास्ट एंड फ्यूरियस देखोगे तो वो फ्यूरियस हो जाएगी, तुम आईपीएल का मैच उसके साथ देखोगे तो उसकी लाइफ से तुम हमेशा के लिए आउट हो जाओगे, और अगर तुम उसे पूल ले गए तो तुम्हें तो वो पहले ही स्विमिंग पूल में फेंक देगी। एक सेकंड दादू, मैं तो ये वाले पूल की बात ही नहीं कर रहा था, मैं तो वो ये वाले पूल।
अरे अज्जू बेटा, तो अज्जू बेटा, तुझे पर्यायवाची शब्द पता है? हाँ सीखे तो थे मैंने पर्यायवाची शब्द। ये डेट शब्द के ना तीन मीनिंग होते हैं। पहला वो तारीख, दूसरा खजूर, और तीसरा वो जो तुझसे कभी ना हो पाएगा। तू एक काम कर, पहले दो याद कर ले, लास्ट वाला हमेशा के लिए भूल जा, तुझसे ना हो पाएगा। अज्जू बेटा, मैं ना तुम्हें एक लास्ट चांस दे सकता हूं, तुम गाना गा के ट्राई करो। कौन सा गाओ दादू? अपनी पसंद का गाओ दादू। दादू प्लीज ना दादू, मेरा एक बहुत ही फेवरेट सा सॉन्ग है दादू। मैंने हमेशा से सोचा था कि मेरे फर्स्ट डेट पे ना मैं ये वाला ही गाना गाऊंगा दादू। गाने दो ना दादू प्लीज। ठीक है भाई, गा ले, तू भी क्या याद रखेगा, एपिसोड का एंड है। भाई 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 भाई, भला भोरी रामा, भला भोरी रामा। भाई 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 बाय बाय। अज्जू बेटा, तू तो अपने पहले डेट पे भाई भाई गाएगा? हाँ तो दादू, आप ही तो बोलते ना हमेशा कुछ ऐसा यूनिक करना चाहिए। आउटस्टैंडिंग, थैंक यू दादू। थैंक यू नहीं, गो आउट एंड स्टैंड देयर एंड टेक दिस ब्लैक बोर्ड विथ यू, बिकॉज आई एम ऑल्सो बोर्ड विथ यू। वापिस 1.5 किलोमीटर चलवाओगे आप? हाँ, ले जा ले जा। आज 1.5 किलोमीटर चलना है तो क्या हुआ?